क्या चीज के लिए पैसा रखे थे? बेटी शादी कर बेटी का शादी के लिए ये पैसा जल गया सब, जो इतना बचले उतने निकालिया। पाँच पाँच सौ का है। क्या नाम है सर आपका? सर सुधीर कुमार। कहाँ अभी है आप? सर मैं 48 कटिहार में पोस्टेड हूँ सर, अभी ITBP में। आईटी सीसीआर कैंप में। अच्छा, सीसीआर कैंप में। तो अभी जो आग लगा यहाँ पर, यहाँ पे हम लोग 17 बंदे आए थे सर, जैसे ही हम फोन लगाए जैसे तत्काल प्रभाव से जितने लोग थे हम लोग यहाँ पे पूरा आए, यहाँ पे आग वगैरह बुझाए, आग बुझाने सामान के साथ आए थे सर, एक टैंकर भी आया था पानी का टैंकर। अभी जो खाने पीने का सामान आप दिए है ये पर्सनल अपने ₹1,000 और अपनी तरफ से इंसानी तौर पर दोनों डिस्कस किए क्या हो सकता है, क्योंकि सर जो भी है कुछ इनका बचा नहीं, तो कम से कम खाने हम का तो देखे, खुद भी देखे ना कि इनके पास ऐसा कुछ भी नहीं बचा जो कि ये एक दिन खाना भी ले सके। चलिए सर, आप लोग के चलते हम लोग आज सुरक्षित भी हैं और आप लोग इतना मदद करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार, मैं ब्रजेश सिंह और अभी हम बहरखाल में हैं और आप पीछे हमारा देख सकते हैं कई एक घर सर जल गए हैं। वाजिब बात है कि अभी का समय खुश्क होता है, यानी पछिया हवा का बहाव होता है जिसके चलते हर चीज खड़ंग जाता, खड़ंग हम देहाती लैंग्वेज में आपको बोल रहे हैं, और यही परिणाम हुआ कि यह घर जो है यह जल गया। एक भी सामान इन लोगों के घर में नहीं बचा है साहब, यहाँ तक कि कल यह अपने बिटिया के शादी के लिए ₹50,000 नगद लाए थे, वह भी ये अपने घर में रखे थे, वह भी जल गया साहब। जो बर्तन जेवरात, यहाँ तक कि जो विद्यार्थी था उसका पैसा, जो कागज पत्र जो डॉक्यूमेंट होता है सर, वो भी जल गया। अब देख लीजिए कि इन लोगों को खाने तक का, यह देखिए कि अनाज भी जल गया है साहब, ये देख लीजिए कि अनाज तक भी सर जल गया है, खाने खाने का मोहताज हो गया ये लोग, ये समझने वाली बात है। और देखिए मेन गैस जलने का कारण है यह गैस, देख लीजिए कि इसी गैस सिलेंडर में लीकेज हुआ था जिसके चलते आग लग गया। हम उन लोगों को कहना चाहेंगे कि कम से कम अभी के समय में आप आग उग को थोड़ा समझ बूझ कर जलाएं अपने घरों में, नहीं तो आपकी गहरी कमाई, आपका सारा चीज जल सकता है, इसीलिए परहेज रखना चाहिए। फिलहाल देख लीजिए कि क्या स्थिति है। और एक चीज हम बताएंगे कि यहाँ पर ITBP कैंप लगभग 2-3 किलोमीटर ही दूर है, और उन लोगों के अथक प्रयास से जो लोग हमारे देश का रक्षा करते हैं बॉर्डर पर, अगर वो खड़े हैं तो हम और आप गहरी नींद सोते हैं, वो हम लोग की जिंदगी में जो आम जिंदगी है उनमें भी उन लोग बहुत हेल्प करते हैं। और अभी कुछ जवान यहाँ आए थे जो हम आपको दिखा रहे हैं, उन लोग अपने पैसे से इन लोगों को खाना वाना का जो है वो उन लोगों ने प्रोवाइड करवाया, ये बहुत अच्छी बात है। फिलहाल हम उन नेता लोगों से कहना चाहेंगे कि सर इन्हीं लोगों के वोट से आप कुछ भी बनते हैं, तो इस समय इन लोगों के साथ खड़े होइए साहब, आइए जहां तक हो, सरकारी फायदा जो है वो तो है, कम से कम इस घटना में, इस दुख दर्द में अपने पॉकेट से भी अगर थोड़ा बहुत हो तो सर जरूर कीजिए, क्योंकि ये लोग एक एक दाने के लिए मोहताज है साहब। तो हम यही कहना चाह रहे थे, यहाँ के लोग हैं उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है सर आपका? सर सुधीर कुमार। कहाँ अभी हैं आप? सर मैं 48 कटिहार में पोस्टेड हूँ सर, अभी ITBP में। सीसीआर कैंप में। अच्छा, सीसीआर कैंप में। तो अभी जो आग लगा यहाँ पर, यहाँ पे हम लोग 17 बंदे आए थे सर, जैसे ही फोन हम लोग जैसे तत्काल प्रभाव से जितने लोग थे हम लोग यहाँ पे पूरा आए, हम लोग यहाँ पे आग वगैरह बुझाए, आग बुझाने सामान के साथ आए थे सर, एक टैंकर भी आया था पानी का टैंकर। अभी जो खाने पीने का सामान आप दिए हैं ये पर्सनल अपने पॉकेट से दिया, ₹1,000 और अपनी तरफ से इंसानी तौर पर दोनों डिस्कस किए क्या हो सकता है, क्योंकि सर जो भी है कुछ इनका बचा नहीं, तो कम से कम खाने हम का तो देखे, खुद भी देखे ना कि इनके पास ऐसा कुछ भी नहीं बचा जो कि ये एक दिन खाना भी ले सके। चलिए सर, आप लोग के चलते हम लोग आज सुरक्षित भी हैं और आप लोग इतना मदद करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जला है। अच्छा, आप ही जेवर वेवर खरीदे, क्या नाम हुआ आपका? रो कह रहे हैं, रोइए मत, रोइए मत, हम लोग साथ हैं आपका, आप क्या घबराते हैं? सर इलाज के लिए हम पैसा लाए थे, ₹1,00,000 था घर में, देखे हम बच्चा सबका, सब पढ़े लिखे बच्चा है, सब घर का सामान सब जल गया, कुछ नहीं बच्चा सब अभी पीने हुए वही सब है, कुछ नहीं है। इलाज के लिए हम खुद इलाज करने के लिए पैसा कल ही सर अति से लाए थे बैंक से, सब वो बस सामने था, वो फिर जल गया, कुछ नहीं निकल सके, बाल बच्चा छोटा छोटा है, अभी कैसे क्या कहेंगे।
चलिए हम लोग पूरा गांव वाले लोग हम लोग आप लोग के साथ हैं, घबराना नहीं। चार चार घर जल गया, मेरा पति भी बीमार है सर, कहां से क्या करेंगे। नहीं, मुखिया जी वगैरह हैं, सब आपका सहायता करेंगे, हम बोलते हैं मुखिया जी से, ठीक है। अच्छा, जिला परिषद वगैरह जबर रहे हमरो 50 भरी। अच्छा, जल गया, क्या दिए आप लोगों को मुखिया जी? अभी खाने के, अभी खाने का, खाने का दिए। अच्छा अच्छा, ये बता, बिटिया का शादी अब तो नहीं हो पाएगा? नहीं, बिल्कुल होगा, हम लोग जब तत्पर हैं, मेरा समाज तत्पर है, तो बिल्कुल शादी होगा। आप लोग सहयोग? बिल्कुल सहयोग करेंगे, हम लोग जितना भी प्रतिनिधि यहाँ बाहर खाली एकजुट होकर के, और यहाँ का जो समाज है वह सब भी सहयोग किया है, ITBP से भी सहयोग मिला है, और कुछ जो है व्यक्तिगत जो समाज से भी हैं वो भी सहयोग करके इनका बेटी का भी शादी कराएंगे और घर द्वार भी बनेगा। क्योंकि इन्हीं को देख के और भी जगह के इन बच्चों को नहीं, मैं यहाँ के जितने भी युवक है सबको सम्मानित करने का काम करेंगे, ताकि कहीं भी कुछ हो ये लोग युवक बढ़ चढ़ के अपना हिस्सा ले और इसमें अपना योगदान दे। कुछ बनाए हुए थे, जेवर उबर सब तहस नहस हो गया सर, और कल ही बेटी का उसका शादी है, कल ही 70,000 रुपया निकाल के लाया था, वो भी पूरा, मतलब कोई सामान घर से नहीं निकाला, वस्त्र के अलावा कुछ नहीं बचा इसके घर में, जो भी पहना हुआ बचा वही बचा, सब कुछ जल गया। क्या नाम है इन लोगों का? मंगल हेमराम है, मंगल हेमराम एक है, सूरज हेमराम एक है, और राजेंद्र हेमराम एक है, बैजू हेमराम एक है, और तलामय देवी मसोमात है बेचारी, उसकी बेटी भी यही रहती थी, बेटी दमाद, उसका भी पूरा सब चीज जल करके भस्म हो गया। कुल कितने परिवारों के घर जले होंगे? लगभग सर 9 परिवार का घर, 9 परिवार यानी कि 9-10 घर जल। जी जी, घर तो ऐसे बना हुआ, घर तो सर ज्यादा जला है, लेकिन 9 परिवार के घर। जी जी जी, हुआ आग लगी का इसमें? बहुत ही दुखद समाचार है हम ग्रामीणों के लिए कि आज ये लोग निसहाय हो गए हैं आग लगने के कारण। इनके घर का हर एक एक चीज जल चुका है, सिर्फ अपना शरीर, किसी तरह से ये लोग अपना शरीर लेके बाहर निकले। बिटिया का शादी के लिए 2 लाख रुपया रखा था, बिटिया के शादी के लिए ये लोग कल ही बैंक से रुपया निकाल कर घर लाए थे, जेवर भी बना के रखे हुए थे, सारा चीज जल चुका है, पूरे निसहाय हो चुके हैं, और हम लोग कोशिश करेंगे ग्रामीण मदद करें इन लोग को, और सरकार से भी हम लोग मांग रखते हैं कि जहां तक हो पाए इन लोग का मदद किया जा सके, ताकि ये लोग अपनी जिंदगी को सही रूप दे सके। परिचय सर आपका? सुनील कुमार यादव। और परिचय दीजिए। पैक्स भूतपुर पैक्स के अध्यक्ष नारायण महतो। क्या नाम है? नारायण महतो। कहाँ जला है ये? ये सर आग लगा है सिलेंडर का पाइप से, खाना बनाने के दरमियान कैसे कैसे क्या हुआ आग लगा, और टाटी में धरा, कच्चा घर था, पूरा जल करके आग पिकअप में आ गया, और पूरा एकदम भयानक रूप हो गया पूरा। अच्छा, आदमी इन लोगों को मैंने हर चीज जल गया जी, पूरा चीज जल गया, कुछ एक ग्लास भी सर नहीं, मतलब जो अपना वस्त्र पहना हुआ है शरीर में वही बचा, बाद बाकी कुछ नहीं है, बिल्कुल। अच्छा अच्छा, कोई प्रयास, कोई नेतागण, कोई प्रयास अभी तक? तो हमारे माननीय मुखिया जी है, वह सहयोग दे रहे हैं, ITBP से आए हुए थे, वह भी सहयोग की सुखा राशि दिए भोजन खाने के लिए, जिला पार्षद भी है, सभी आदमी सहयोग में लगे हुए हैं। अच्छा, हमारे पंचायत के जो भी प्रतिनिधि हैं सभी हैं, सभी हैं साथ, सभी हैं साथ है, और ग्रामीण भी है, जितने भी युवक है सब साथ, सब साथ है। अच्छा, इन लोग का सारा हुआ मुखिया जी? आज बहरखाल पंचायत अंतर्गत वार्ड नंबर 1 में आदिवासी टोला है, और आदिवासी परिवार से बिलोंग करता है, पता लगा कि गैस जो है खाना बनाने के क्रम में गैस से जो आग लग गया, उसके अगल बगल के लगभग 7 फैमिली का घर बिल्कुल जल गया, और अभी हम लोग को जानकारी मिला है कि एक फैमिली में शादी भी था, जिसे कुछ नकदी भी जला है, और पूरा सामान कुछ भी नहीं बचा है, पूरा ग्रामीण जो है, जी पूरा ग्रामीण जो है यहाँ जुट करके युवक जो है बहरखाल पंचायत वासी का आज अपना दम दिखाया, और अपने दम के बूते पर आग को काबू किया गया। अच्छा, तो अभी लोगों को राहत में आप लोग क्या प्रोग्राम? राहत में हम लोग अभी सूखा राशन दिए हैं, और ITBP कैंप से भी राहत मिला है, काफ़ी पब्लिक में भी जुनून है राहत का, हमको लग रहा है कि कोई कमी नहीं रहेगा, और सरकार से मांग करते हैं कि जो भी बेनिफिट हो सरकारी तरफ से मिलने की जल्द से जल्द हम लोग मांग करते हैं। अच्छा मुखिया जी, आप अपने तरफ से क्या कर रहे हैं? हम अपने स्तर से सूखा राशन दिए हैं, और शाम में हम लोग चाह रहे हैं कि चावल गेहूँ, उसके बाद जो है दाल उल का भी व्यवस्था करेंगे, अगर जरूरत पड़ेगा तो आर्थिक मदद भी करेंगे, हम लोग के पास कोई ऐसा नहीं है कि कोई दिक्कत है, और हम लोग भी चाहते हैं कि जो भी परिवार है सबको बिल्कुल
सहयोग करेंगे, आर्थिक सहयोग आर्थिक करेंगे, सरकारी जो मिलेगा वो तो आप लोग है। आपका परिचय? मेरा नाम विजय कुमार सिंह हुआ, मेरी पत्नी यहाँ की मुखिया है मुनीता कुमारी। कह रहे हैं इस संबंध में, सुबह लगभग 7 बजे के लगभग खाना बनाने के क्रम में गैस से खाना बना रही थी, गैस सिलेंडर से, गैस सिलेंडर फटने से आग पड़ा लगा, जिसमें कि है अगल बगल का 7 लोगों का पूरा घर जल के राख हो गया। घर में जितना भी सामान था कुछ भी नहीं बच पाया। बगल के घर में शादी था, जो सामान खरीदा गया था, नकदी वगैरह सारा चीज़ भी वो जल के राख हो गया। अच्छा, तो आप लोग अपने तरफ से क्या कर रहे हैं लोगों को? हम लोग अपने तरफ से आप जनप्रतिनिधि हैं और अपेक्षा ये लोग आप ही से रखा है। हम लोग आर्थिक मदद करेंगे, राशन, सूखा राशन का हो या जो भी हो, आर्थिक मदद हम लोग करेंगे, समाज की तरफ से भी करेंगे, हम लोग अपने स्तर से भी करेंगे और सरकार से मांग करते हैं जो इसका सरकारी सुविधा है, सरकारी लाभ है, उनको दिया जाए। मुखिया जी का कहना था कि युवक यहाँ पर आज बहुत बड़ा काम किया, यहाँ के युवक बधाई के पात्र हैं, बधाई देते हैं उनको जिन्होंने बहुत ही मेहनत करके इस आग पर काबू पाया। दो चार युवक का नाम बताइए। युवक यहीं के हैं, आप बताइए मुखिया जी। यहाँ का युवक है आशीष कुमार है, और उसके बाद जो है मिथुन कुमार है, ललन है, लालू नाम उसका है, उसके बाद सुमित है, पप्पू है, यह सब लड़का काफी मेहनत किया है। इन लोग को आप अपने तरफ से क्या कह रहे हैं? हम अपने स्तर से इन लोग को जो है जब कोई फंक्शन होगा तो हम पुरस्कृत करेंगे।